जोनल अधिकारी ने दिया स्वास्थ्य शिक्षा व रोजगार योजनाओं से संबंधित जानकारी। साहेबपुर कमाल प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत समस्तीपुर पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में माननीय मुखिया संजय यादव की अध्यक्षता में ग्रामीण ई विकास परियोजना जन आकांक्षा फाउंडेशन संस्था के द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में हर हाथ हुनर, हर हाथ रोजगार, बाल विवाह रोकथाम योजना, बालिका उत्थान योजना, सौभाग्य लक्ष्मी योजना, महिला शक्ति मंच इत्यादि योजना द्वारा पंचायत के सभी लोगों में अनेक कार्यक्रम के द्वारा जनता को लाभ प्रदान करना, जिससे नए समाज का निर्माण हो सके। संस्था हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार के तहत पंचायत स्तर पर मशरूम उत्पादन, बकरी पालन, पापड़, अगरबत्ती, मसाला, मोमबत्ती निर्माण एवं मधुमक्खी पालन सहित अनेकों कार्य कराने जा रही है। यह संस्था युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर बेरोजगार को रोजगार मुहैया करवाएगी। उक्त बातें जोनल पदाधिकारी ने कहा। इस सभा को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी जन आकांक्षा संजीव कुमार ने बताया, 18 साल से कम उम्र की शादी करना कानून अपराध है। बाल विवाह रोकथाम योजना द्वारा अपनी बच्ची का पंजीकरण कराए और एक निश्चित अनुदान प्राप्त करे। इस आम सभा को जिला प्रभारी राम प्रवेश पासवान, प्रखंड प्रभारी डॉक्टर सुमन कुमार, समस्तीपुर पंचायत समन्वयक रुपेश कुमार महेश पासवान ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। साहेबपुर कमाल से डॉक्टर राम उदय शर्मा की रिपोर्ट, टीम डीएन सिटी लाइव न्यूज। भाई डॉक्टर राम उदय शर्मा जी सम्मानित मंच पर बैठे पूर्व मुखिया चौकी का राम प्रवेश पासवान जी, सम्मानित किशोर पचन जी, सम्मानित उप मुखिया जी, सम्मानित वार्ड साहेब और जो भी मुन्ने मुन्ने बच्चे मेरे गांव का माता एवं बहनों, सभी को मैं मन वंदन अभिनंदन और चंदन करता हूँ। सुरक्षित नारी, सुरक्षित समाज, बाल विवाह रोकथाम योजना सभी को लेकर के विभाग से जो मेरे पंचायत में आए हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और ग्रामीण माता एवं बहनों युवा से मेरा अनुरोध है, सारे योजना को समझे। बहुत विस्तार से पूर्व मुखिया जी राम प्रवेश भाई बताए हैं, सब समझ ही लिए हैं। इन्हें आप लोग समझ बूझ करके इसे आगे बढ़ा दे। और इस योजना के तहत जो बताया गया है, कम उम्र में बेटी बहन को शादी नहीं करे, कहावत है। जब कहीं मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको बच्ची, छोटी बच्ची 10 साल 12 साल 13 साल के आपको साथ में रहते हैं, तो जो भी माँ है कहते हैं, बेटी ये बोझा बहुत भारी है, कोई नहीं ले, हम ही गले देवो मार्केट। लेकिन बोझा तो उनको नहीं देते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, चावल दाल गेहूँ, लेकिन कम उम्र में उसे बोझा दे देते हैं, कपार पर शादी कर देते हैं। कितना बड़ा बोझा देते हैं, वो बोझा तो नहीं देते हैं जो कुछ देर में उतर जाएगा, और पूरे उम्र ऐसा बोझा देते हैं बच्चे में शादी करके, बच्चे में उसको की जा रही है। माननीय मुखिया जी के संदेश से किया जा रहा है, और मैं आग्रह करना चाहूंगा जिला कोऑर्डिनेटर से, जो कि इस योजना पर विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, उसलिए मैं बताता। दुख इस बात की है, स्नेह बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं अपने माइक मुखिया जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ। जिला कोऑर्डिनेटर को आवे और विस्तार से इस बिंदु पर चर्चा करें।
माननीय मुखिया जी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुखिया जी, सम्मानित मंचासीन हमारे मुखिया जी, सम्मानित इस मंच पे उपस्थित हमारे जन पदाधिकारी, सम्मानित प्रखंड समन्वयक, सम्मानित महेश्वर बाबू सहित हमारे गणमान्य सभी समाज के महत्वपूर्ण गार्जियन उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम में सभी नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताएं, बहनों, तमाम भारतवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। साथ ही आज आपके ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा रखा गया है, ये ग्राम सभा ग्रामीण विकास परियोजना के द्वारा किया जा रहा है, जो कि हमारे जनाकांक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में। मैं आपको जानकारी दूं, देश में जितनी भी योजनाएं चल रही है भारत सरकार की, वो तमाम योजना दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि निजीकरण हो रहा है, और वो योजना धरातल पर उतारने के लिए सरकार कई योजनाएं ऐसी है जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है, ये एनजीओ है या फाउंडेशन, सरकार उसके हैंड ओवर कर रही है, और वो योजना लगातार जनप्रतिनिधि के सहयोग से, समाज के सहयोग से, माननीय मुखिया जी के सहयोग से, समाज के सचेतक जो हमारे नौजवान दोस्त होते हैं उनके सहयोग से, समाज की योजना धरातल पर लगातार कार्य कर रही है। उसी प्रकार से ग्रामीण विकास परियोजना जो है, यह योजना के अंतर आप देख रहे हैं कि ई स्कूल, डिजिटल क्लास, ई क्लिनिक, बाल विवाह रोकथाम योजना, किसानी केंद्र, वायक योजना, मुर्गी पालन, मछली पालन, ई मार्ट, बालिका विकास योजना, सुभाष लक्ष्मी योजना, ई जॉब, कई योजनाएं ऐसे हैं जो इससे संबंधित हैं, लेकिन मैं आपके बीच जो संचालन मैं करने जा रहा हूं, इस योजना के बारे में कहने जा रहा हूं, उससे पहले मैं समस्त उपस्थित मंचासीन एवं अमर कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मैं नए साल के शुभकामना मंगलमय करता हूं।